हेलो एवरीवन, चलिए आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन के बारे में। ठीक है, तो इस पूरे ही वीडियो में हम लोग इसकी समरी के बारे में जानेंगे, और अगर आपको लाइन बाय लाइन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम उसके लिए एक नया वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो द लास्ट लेसन इसके जो राइटर हैं अल्फोंस डॉडेड हैं, और अल्फोंस डॉडेड का जो अगर बात करें बर्थ काल है वह है 1840 से लेकर 1897 तक, मतलब ये पैदा हुए थे 1840 में और इनकी डेथ हो गई थी 1897। और इनके बारे में थोड़ा सा देखें तो ही इज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो अल्फोंस डॉडेड हैं ये फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और छोटी छोटी कहानियों को ये क्या करते हैं, लिखते हैं। और ये जो स्टोरी है, मतलब ये द लास्ट लेसन जो स्टोरी है ये बता रहा है कि दिस स्टोरी बिलोंग्स टू वॉर बिटवीन प्रूसिया एंड फ्रेंच। मैं कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये जो कहानी लिखी गई है ये फ्रेंच और प्रूसिया के बीच में जब वार चल रहा था तो उस समय की ये पूरी कहानी है। तो वार को थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करके समझा जाए तो देखिए, एक होता है क्वेरल, एक होता है फाइट और एक होता है वार। तीनों में से होता है लड़ाई झगड़ा, लेकिन तीनों का सिचुएशन अलग अलग है। जैसे अगर बात करें क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है बहस करना। जैसे अगर बात करें, कभी नहीं देखते हैं कि किसी से झगड़ा करते तो सिर्फ बातों से झगड़ा होता है। जैसे कहते तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तू कहता है कि तुम क्या करोगे, मतलब बातों से अगर बहस हो तो वे उसको हम लोग क्वेरल कहते हैं। और वहीं बात धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तो हाथापाई होने लगता है। एक मुक्का उसको गम दे मार देता है तो वो है तो उसका गम दे मार देता है। तो कहने का मतलब जब आपस में हाथापाई होने लगती है तो इसको हम लोग फाइट कहते हैं। और हाथापाई जब ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा बढ़ने के बाद जब पूरा उसके घर वाले आ गए और इसके घर वाले आ गए, इसके घर वाले को ऊ पीट दिया, उसके घर वाले को ई पीट दिया, तो जब आपस में ज्यादा हाथापाई होने लगती है, पूरा गांव टूट जाता है इधर का उधर, तब उसको क्या करते हैं, वार का नाम दे देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब जब एक गांव से दूसरे गांव या कहते एक देश से दूसरे देश की जब लड़ाई होती है तो उसको हम लोग वार को कहते हैं, कहते हैं कि वार हो गया वहां पे। तो इसी तरह सेम कह रहा है कि जब फ्रेंच और प्रूसिया के बीच में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो उसको वार दिया गया नाम, क्योंकि ये अलग अलग कंट्री हैं। प्रूसिया को तो कंट्री नहीं कर सकते, फ्रेंच जो है एक कंट्री है। और बात करें तो जो फ्रेंच है, फ्रेंच एक कंट्री है, इसके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक ऑल्सिक एक लॉरेन। फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक ऑल्सिक एक लॉरेन, और प्रूसिया जो है वह तीन पार्ट से मिलकर बना है, जैसे एक जर्मनी, एक पोलैंड, एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड पोलैंड से मिला करके जो ये बना हुआ है वो प्रूसिया है। तो प्रूसिया जो है क्या करता है, ये फ्रेंच को वार में हरा देता है, और हराने के बाद क्या होता है, कब्जा कर लेता है। और कब्जा कर लेता है ये, तो जो फ्रेंच है, फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेक एंड लॉरेन। तो ये प्रूसिया जो है वह अल्सेक एंड लॉरेन पे क्या करती है, अपना कब्जा जमा लेती है। तो कब्जा जमाने के बाद ये कहता है कि अब मेरा हुक्म का पालन करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए मैं ही आपके घर पे या आपके पूरे गांव में मैं कब्जा कर लूंगा, तो कब्जा करने के बाद यहां पे मेरा हुक्म चलेगा, जो मैं कहूंगा वो मेरा आदेश होगा। ठीक है, इसी तरह मैं कहूंगा कि पानी लेकर आओ, तो पानी तुम कहोगे नहीं लेकर आएंगे, और नहीं लेकर आओगे तुम बल बर पीट देंगे, तो दौड़ के जाओगे। तो उसी तरह कहने का मतलब कि हमारा जो हुक्म होगा तो वह हमारे हुक्म का पालन होगा जब हम किसी पे कब्जा कर लेते हैं तब। तो इस स्टोरी में अगर देखा जाए तो इसमें मेन दो ही करेक्टर हैं, दोनों करेक्टर एक फ्रेंच का है, एक एमएमएल का है। फ्रेंच जो है वह स्टूडेंट है, एमएमएल जो है टीचर है। तो फ्रेंच और फ्रेंच दोनों में अंतर है, फ्रेंच कंट्री का नाम है और फ्रेंच जो है वो लड़के का नाम है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इसमें एक और लाइन लिखा है कि दिस स्टोरी इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन नरेटिव। कहने का मतलब कह रहा है कि ये जो कहानी है वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन नरेटिव का मतलब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसमें कह रहा है कि जो कहानी जिसकी होती है वो अपनी कहानी को खुद बताता है, तो उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन नरेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो कहानी है वो फ्रेंच की है, और फ्रेंच ही अपनी स्टोरी को नरेट करता है। तो कह रहा है फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, मतलब कहने का मतलब कि फ्रेंच की ही कहानी है और वो अपनी कहानी को खुद बता रहा है, तो ये कहानी जो होगी वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव में आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बहुत ही जल्द मैं इसका पार्ट सेकंड लेकर आने वाला हूँ, जो कि पूरा समराइजेशन होगा इस चैप्टर का।